टारगेट करने जा रहा हूँ किस टारगेट मार्केट को फोकस करने के लिए जा रहा हूँ तो तीन तरह की टेक्निक्स है जो कि नॉर्मली यूज हो रही होती हैं फर्स्ट इज मैस मार्केटिंग रिटेलर को ये देखना है क्या वो मैस मार्केटिंग अप्रोच को फॉलो करने के लिए जा रहा है वो इसका टारगेट जो है वो एक मैस uh, मार्केट है क्या वो मैस मार्केट को फोकस करने के लिए जा रहा है अगर येस yes, तो फर्स्ट टेक्निक को फॉलो कर रहा होगा देन इज अबाउट द कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग क्या उसकी मार्केटिंग विल बी कॉन्सेंट्रेटेड टू अ सेट ऑफ ग्रुप अगर ऐसा है सो so कोर्स वो सेकेंड स्ट्रैटी को फॉलो कर रहा होगा सेकेंड टेक्निक को फॉलो कर रहा होगा या फिर वो थर्ड फॉर्मेट के ऊपर जाएगा थर्ड टेक्निक के ऊपर फॉलो करेगा विच इज़ द डिफरेंशियटिड मार्केटिंग सो विल द रिटेलर विल बी यूजिंग दिस डिफरेंशियटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर द डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप्स और डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स और डिफरेंट टारगेट मार्केट्स तो क्या वो टेक्निक फॉलो कर रहा होगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन हैं जब रिटेलर इस बात को टारगेट मार्केट की सिलेक्शन को कर रहा होता है वो समझना ज़रूरी है तो सबसे पहली जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक uh, इम्प्लीकेशंस की सो फर्स्ट इम्प्लीकेशन इज अबाउट रिटेलर की लोकेशन किस जगह के ऊपर किस लोकेशन के ऊपर रिटेलर ऑपरेट कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो रिटेलर इसकी लोकेशन डिसाइड करती है कि उसने कौन सी टारगेट मार्केट की सिलेक्शन के ऊपर जाना है कौन सी टेक्निक को उसने ऑप्ट करना है इसी तरीके से वो क्या गुड्स क्या सर्विस और या इन गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मिक्स ऑफर करने के लिए जा रहा है जो मिक्स ऑफर करने के लिए जा रहा है उसकी बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या टेक्निक फॉलो करनी है मुझे किस टेक्निक के ऊपर काम करना है इसी तरीके से व्हाट प्रमोशन एफर्ट्स द रिटेलर विल डू क्या वो फॉलो करेगा किस तरीके से उसका मैकेनिज्म होगा द रिटेलर हैजू प्रॉपरली प्लान दिस एंड देन वट वुड बी हिस्स प्राइस ओरिएंटेशन रिटेलर इस प्राइस को फॉलो कर रहा होगा क्या वो वैल्यू फॉर मनी ऑफ़र कर रहा होगा या वो डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफ़र कर रहा होगा या वो प्रीमियम प्राइसेस ऑफ़र कर रहा होगा या वो हाई प्राइसेस चार्ज कर रहा होगा सो so, जो भी सिचुएशन होगी उसको अपनी प्राइस ओरिएंटेशन को क्लियर रखना है एज़ पर हिज टारगेट मार्केट सिलेक्शन एंड देन लास्ट इज़ ओवरऑल स्ट्रैटी अबाउट द रिटेल स्टोर जो अबाउट दी कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स उसको आइडेंटिफाई करने हैं अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि वो टारगेट मार्केट की सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को कर सके जब आप टारगेट मार्केट की सिलेक्शन कर लेते हैं इन इम्प्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं तो रिटेलर मूव करता है ओवरऑल रिटेल स्ट्रेटजी के एलिमेंट्स के हवाले से उसके दो एलिमेंट्स हैं नंबर वन एलिमेंट इज़ कंट्रोलेबल वेरिएबल और फिर नेक्स्ट इज़ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल तो कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कंट्रोलेबल हैं पहले हम उसके ऊपर एक लाइट डालते हैं तो सबसे पहला वेरिएबल जो कंट्रोलेबल है दैट इज द स्टोर लोकेशन इट इज अप टू द रिटेलर कि वो कौन सी लोकेशन को चूज करता है फिर मैनेजिंग बिजनेस मर्चेंडाइज मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग तो बिजनेस को कैसे मैनेज करना है मर्चेंडाइज को कैसे मैनेज करना है प्राइसिंग को कैसे मैनेज करना है ये भी कंट्रोलेबल है विद द रिटेलर कम्युनिकेशन क्या करनी है कस्टमर के साथ क्या कम्युनिकेशन नहीं करनी है इट इज़ ऑल्सो कंट्रोलेबल वेरिएबल इन डिफाइनिंग दी ओवरऑल रिटेल स्ट्रेटजी लेकिन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लॉट ऑफ वेरिएबल्स जो कि अनकंट्रोलेबल हैं फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर अनकंट्रोलेबल है कॉम्पटिशन अनकंट्रोलेबल है वट कॉम्पिटिशन विल डू वंस यू विल हैव अ रिटेल स्टोर क्या रिएक्शन करेगा क्या एक्शन लेगा इज अनकंट्रोलेबल टेक्नोलॉजी इज अनकंट्रोलेबल इकोनॉमिक पैरामीटर्स इकोनॉमिक कंडीशन पोलिटिकल कंडीशन सीजनेलिटी लीगल रिस्ट्रिक्शंस इन्वायरमेंटल सिचुएशन नेचुरल डिजास्टर्स दे आर ऑल अनकट्रोलेबल वेरिएबल्स जो कि रिटेलर को कंसिड्रेशन uh, में रखने पड़ते हैं वाइल मेकिंग इज ओवरऑल रिटेल स्ट्रेटेजी तो उसके पास कंट्रोल वेरिएबल्स भी हैं जो कि नॉर्मली दे आर पार्ट ऑफ द स्टोर और जो पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट हैं वो सारी चीज़ें आर आ पार्ट ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स